दोस्तों एशिया कप शुरू होने में 3 दिनों का समय बचा हुआ है। इसका आगाज 3 अगस्त को होने वाला है। वहीं भारत अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को पाकिस्तान से खेलेगा। वहीं जो एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करेगा उसे वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एशिया कप बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी वजह से इस टूर्नामेंट का महत्व काफी ज्यादा है। हालांकि एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया मगर रोहित एंड कंपनी के सामने कई बड़े सवाल हैं जिनका हल टीम को एशिया कप से पहले खोजना होगा। आइए आपको बताते हैं 3 ऐसे बड़े सवाल जिसने रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट की नींद उड़ा दी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी खबर। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है लेकिन उससे पहले आप लोग बताएं कि इस बार का एशिया कप का बादशाह कौन होगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, एशिया कप श्रीलंका में होने वाला है, वहाँ की पिचें स्पिनर गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, फिर भी बीसीसीआई ने टीम में एक भी लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर को शामिल नहीं किया है। आपके पास अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल थे और टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्र अश्विन और ऑफ ब्रेक स्पिन गेंदबाज वाशिष्ठ सुंदर को टीम में जगह नहीं दी गई है। इन तीनों ही स्पिनर के पास मुश्किल समय में विकेट लेने की काबिलियत है लेकिन चयनकर्ताओं ने इन्हें एशिया कप के लिए नहीं चुना गया। हैरानी की बात यह कि श्रीलंका में धीमी पिचों पर 6 मीडियम पेसर गेंदबाजों को चुना है, ऐसा क्यों किया गया? फिलहाल इसका जवाब सिर्फ मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और रोहित शर्मा के पास है। सवाल नंबर 2, खोखला नजर आ रहा मीडियट ऑर्डर, भारतीय टीम का मीडियट ऑर्डर पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा। हालांकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है मगर जब केएल राहुल पूरी तरह से फिट नहीं तो उन्हें क्यों चुना गया? हालांकि अय्यर और राहुल टीम में लौटने के बाद उस तरह की फॉर्म दिखा पाएंगे या नहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी लगभग 6 महीनों से क्रिकेट से दूर है। वहीं सूर्य कुमार को नंबर 4 पर आजमाया गया मगर वे वनडे में उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। वहीं तिलक वर्मा को पहली बार वनडे में शामिल किया गया मगर उन्हें एक भी वनडे मैच खेलने का अनुभव नहीं, वो पहली बार वनडे मैच खेलेंगे। वहीं उप कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा। ऐसे में अगर टॉप ऑर्डर में विकेट जल्दी गिरा तो मिडिल ऑर्डर में कौन संभालेगा भारतीय टीम को? सवाल नंबर 3, शुभमन गिल की खराब फॉर्म भारतीय टीम की नींदें उड़ा रही। गिल ने साल 2023 का तो शानदार आगाज किया था और आईपीएल में भी इनका बल्ला खूब चला मगर वेस्टइंडीज में गिल की वो फॉर्म ना जाने कहां खो गई। वेस्टइंडीज में टेस्ट और वनडे T20 में तीनों में फिलहाल साबित हुए। वहीं एशिया कप में रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी गिल के कंधों पर होगी लेकिन उनकी फॉर्म ने टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये थी भारत की 3 खामियां जो एशिया कप में भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करे और अब की बार एशिया कप का खिताब जीते। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से नंबर 4 पर किसे खेलना चाहिए, सिरेश अय्यर को, सूर्य कुमार यादव को या फिर युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।